क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? MBBS ग्रेजुएट। MBBS ग्रेजुएट, ओके। तो क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या क्या? मुझे ना 3 साल पहले यानी कि सूजन जैसे होने लगा, बुखार आया। उसके बाद देखा गया तो वहाँ पे पस जमा था, एक्सरे कराया, पस जमा था, तो बोला कि उसको ओपन करना पड़ेगा। बुखार जब आया 3 साल पहले, उससे पहले कभी कोई प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, या ज़्यादा सिटिंग रहती हो कुछ ऐसा कुछ? कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन थी, पेनफुल डिफिकेशन भी थी, बॉडी करने में दर्द भी था, फिशर भी था, फिशर टाइप था। 3 साल पहले कितना टाइम, कितना पुराना था वो फिशर? वो फिशर तो 4-5 महीना फिर 4-5 महीना। उसके बाद? उसके बाद ड्रेन कराया, सेस हो गया, ड्रेन कराया। तो फिर रिलीफ होने लगा, घाव भरा, 2 महीने जितना लगा घाव भरने के लिए। बड़ा घाव जो था, पेन मूड भर गया, ओके। पूरा ही बंद हो गया था कि फिर मूड आ गया था थोड़ा बहुत? नहीं, घाव पूरा बंद हो गया था। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर स्वेलिंग हुआ, फिर पेन, फीवर सब आना, पेन स्टार्ट हुआ। फिर वीडियो एक्सरे कराया तो फिर बोला कि नहीं, फिर पस जमा है वहाँ, उसको फिर ओपन करना पड़ेगा। फिर से दोबारा से पर्ची लगा, हाँ, दो बार आईएनडी कर दिया एक तरह से। ओके, वो 2017 की बात है, ओके, मार्च में। तो उसके बाद फिर सब कभी आप बीच में पूरा ठीक होते थे कि ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा तक चली रही? 2017 के बाद जैसे मार्च में किया तो मई लास्ट तक सारा कंप्लीट हो गया, हील हो गया। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, सब ठीक था। ये मार्च 2019 में आकर के फिर पेन होना स्टार्ट हुआ। उसी साइड में क्या, दूसरी साइड? राइट साइड में। पहले कौन सी साइड? पहले तो शुरुआत में तो लेफ्ट साइड हुई थी। ओके, उसके बाद फिर कुछ दिन लेफ्ट साइड वाला, फिर आपका उस टाइम पर टेम्पररी बंद हो गया। हाँ, मगर वही कुछ दिन के बाद फिर राइट में भी वो रिकवर हो गया, तो दोनों ओपन करना पड़ा। अच्छा, फिर दोनों तरफ चीरा लगाया? दोनों तरफ, और सेकेंड बार भी दोनों तरफ चीरा लगाना पड़ा। अच्छा, सेकेंड बार भी दोनों तरफ चीरा लगाया, थर्ड टाइम सिर्फ राइट साइड करना पड़ा। ओके, और फोर यानी कि कुछ देखने के, हाँ, लेफ्ट साइड, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ 1 सेंटीमीटर का सिर्फ लेफ्ट साइड में ऊपर दे करके छोड़ दिया। ठीक, तो ये हील हुआ आपको, ये मार्च में स्टार्ट, मई में स्टार्ट हुआ, हील होते होते पूरा जुलाई लगभग चला गया, 2 महीने जितना लगा। उसके बाद फिर ये इधर अब तक किसी ने सोचा नहीं कि ये फिशर नहीं, ये अब्सेस नहीं, कुछ और भी हो सकता है? कुछ तो गाइड किया हो? वो गाइड कर, मगर एक्चुअली वो इंटर्नशिप की वजह से फिर छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैं खुद सोच रहा था कि इंटर्नशिप खत्म हो, उसके बाद फिर तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही थोड़ा सा पेन होना, और वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पे थोड़ा बल्ज हुआ, तो देखा तो बल्ज अगर हम छू करके अगर तो अंदर जा रहा था, तो स्किन उसका तो थोड़ा सा पिलअप हुआ, तो वहाँ से डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ। तो फिर कंसल्ट करा मैंने, वहाँ पर सैनोग्राम किया, उसमें दिखाया साइनस है पूरा, बड़ा सा कैविटी भी दिखा रहा था। तो फिर मैंने आपसे ऑनलाइन कंसल्ट करा, रियलाइज किया कि कुछ हो रहा है जी। फिर मैंने आपसे उसी दिन ऑनलाइन कंसल्ट करा, तो फिर आपने बोला कि यहाँ आओ देखते। फिर MRI करा हमने, परसों करा था MRI, 3 दिन, 9 तारीख को MRI किया। उसमें क्या फाइंडिंग था? राइट कॉम्प्लेक्स स्प्लिंटेड फिस्टुला इन दिखा रहा था, अलोंग विद ग्लूटियल एक्सटेंशन दिखा रहा था। तो फिर लेफ्ट साइड का भी कनेक्शन, इंटरनल ओपनिंग दिखा रहा था। ओके, सो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, और यू अंडरस्टैंड दिस इज क्वाइट बैड, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। एंड बीइंग अ मेडिको आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और इट वॉज फिस्टुला फ्रॉम द डे वन, शुरू हुआ था तभी फिस्टुला था। ऐसा नहीं है कि पहले अब्सेस होगा फिर फिस्टुला बनेगा, ये मिलता है, लोग सोचते हैं कि अब्सेस हुआ तो ये शायद स्टैंड अलोन अब्सेस है, ये इसको चीरा लगाएंगे ये ठीक हो जाएगा। हमेशा ये इसका अंदर कोई ना कोई रूट होता है। सबसे पहले तो हमारे को अंदर के रूट तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, जैसे फिशर हुआ उसी टाइम पर टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो ये फिस्टुला में कन्वर्ट नहीं होएगा। फिशर इस ऑलमोस्ट ऑलवेज इन जनरल, अगर 100 पेशेंट हैं तो 90 से 95 में फिशर से ही स्टार्टिंग होती है, वो फटता जाता है और फिस्टुला में कन्वर्ट होता है। फिशर का मतलब है पार्शियल कटर, जब वो पूरा फट जाता है तो वो फिस्टुला हो जाता है। सो
जब वो फिस्टूला बना उसने दोनों तरफ जाना शुरू किया था, पहले लेफ्ट साइड गया, उन्होंने लेफ्ट साइड पे चीरा लगा दिया विदाउट रियलाइजिंग कि ये अंदर है, फिर दोबारा से गए, फिर लेफ्ट साइड पे फिर लग गया चीरा, दो बार लगा लेफ्ट एंड राइट लगा दो बार, दूसरी बार तीसरी बार फिर लेफ्ट एंड राइट लग गया, बट द सोर्स वॉज इन साइड, जहाँ अंदर लीकेज है, जहाँ से अंदर फटा हुआ, जब तक वो रिपेयर नहीं होगा दिस विल कीप ऑन कमिंग। ठीक है, और पहले आपने सर्जरीज कराई हैं इतनी, आपका कैसा एक्सपीरियंस था उसके कंपैरेटिवली इसका, जैसे आपको पता है आप पहले ऑपरेशन हुआ तो कितने दिन बेड पे रहे, कब आप छुट्टी हो पाए, कितने दिन तक काम लग पाए या अपने स्टडीज को शुरू कर पाए, और आज उसके कंपैरेटिवली अगर ये बेटर है, क्योंकि उस समय क्या होता था, उन ओपन होने की वजह से चलने के लिए तो चलते थे, ये पैक करके चलना पड़ता था, क्लास भी जाना पड़ता था और अनकम्फर्टेबल होता था बैक होने के लिए। कितने दिन तक बेड रेस्ट रहता था? बेड रेस्ट तो नहीं बोलते थे, यानी कि फिर मुँह का निकल बोलते थे ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा मिले। ऊन कितना था उस टाइम? ऊन तो 4 सेंटीमीटर दोनों तरफ, 4 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट 3 इंच था, 3 इंचेस तो काफ़ी हो गया जी। ओके, और दोनों तरफ इतना ही था शुरुआत में, तो उसमें तो पूरे का पूरा एक पैड चला जाता होगा जी, 2-3 बार ड्रेसिंग करना पड़ता था। ड्रेसिंग नॉर्मल थी कि पेनफुल होती थी? शुरुआत में स्टोर लेके किया तो पेनफुल, उसके बाद फिर अच्छा था, उसके बाद बेटा दिन और हनी लेके स्टार्ट हुआ, हनी भी लगा था जी, तो बाद में तो फिर पेन ही सेंसिटाइज डिसेंसिटाइज हो गया था, तो फर्क नहीं था। और जब ड्रेसिंग खुद करता था कोई और करता था? ड्रेसिंग एक्चुअली कॉलेज में जाता था सर्जरी डिपार्टमेंट, वहाँ पर करवा लेता था, और रूम पे पापा अगर फ्रेश होकर के आए तो सीज बात करके फिर खुद से गौल रख करके वहाँ पर टिपिंग कर देते, सफा ड्राई करके गौल रख करके फिर टिपिंग कर देते। ऑलमोस्ट कितने कितने दिन ड्रेसिंग चलती थी हर बार? मैं शुरुआत में तो रेगुलर कराता था, बाद में अल्टरनेट। नहीं, कितना टाइम तक? पूरा सीना ना, 2-3 महीने लग जाता जब तक हाँ वो पूरा हील ना हो जाए, जब तक पूरा ही थले ऊपर ना आ जाए तब तक करवाता था, उससे बात करते कोई रहता था। और अभी कब ऑपरेशन हुआ है? कल अभी बैठ पा रहे हैं, कम्फर्टेबल चल फिर पा रहे हैं, लगता है वापस जाएंगे जी। ठीक है, तो जाओ, आप नेपाल से आए हैं ना? ठीक है, अभी आप आराम से जाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 वीक्स के बाद बुलाएंगे आपको, एंड कम्फर्टेबल रहेगा, डिफिकल्ट है, मुझे भी खुद नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, बट ठीक होना है, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, लेट्स सी। यहाँ डॉक्टर सुमित, आप बताइए, आप कैसा लग रहा है आपको 4th ऑपरेशन के बाद? मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे 1st ऑपरेशन से पहले और अभी मैं देखे तो मुझे 50 to 70% बेहतर लग रहा है, और पेन मिनिमम है जो कि बियर कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन भी बियर कर सकते हैं। ओके, पेन मेडिसिन के विदाउट बियर कर सकते हैं, और वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ चलने में बैठने में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। okay. और फर्स्ट में तो यानी कि केस तो ज़्यादा यानी कि बिगड़ा हुआ था, तो उस समय से और अभी के कंपैरिजन बहुत अच्छा हुआ केस। ओके, ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? एज ए मैं खुद MBBS डॉक्टर हूँ, और इसमें कि ये केस ये ऐसा डिजीज है कि जिसमें अगर जितना वेट करेंगे उतना बिगड़ते जाता है। okay. इससे अच्छा है कि जब जितना जल्दी ट्रीट करवा ले और उसके प्रोग्रेशन को जितना जल्दी रोक सके, उस डिजीज के प्रोग्रेशन को, तो अच्छा रहेगा वो, यानी कि हीलिंग में टाइम लगता है मगर वो अच्छे से क्योर होता है, जिस टेक्निक से हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उससे, यानी कि टाइम लेता है मगर वो अच्छा से क्योर होता है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस है आपको कि ठीक हो रहा है? जी, वो तो मुझे अपनी इनर कॉन्फिडेंस से हमको लग रहा है, जैसे हम कर पा रहे अपना काम सब कुछ, वैसे उससे हमको फील हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार यादव हुआ, मैं नेपाल से आया हूँ जी। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मुझे तो पहले
मेरी राइट लेफ्ट बटक में पेन होना स्टार्ट हुआ, फीवर आया, फिर वहाँ पे फूलना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद जब मुझे तो बहुत ज़ोरों से फीवर थी, जैसा कि तपता है वैसा फीवर था उस समय, तो हाई फिर ग्रेड फीवर हाई था। ग्रेड फीवर था। और उसके बाद डॉक्टर के पास गया तो बोला वहाँ पे अभी घाव है, उसको चीरा लगा के पस निकालना पड़ेगा। तब आप किस में, MBBS में थे कि कर चुके थे? फोर्थ MBBS में था उस समय, फोर्थ ईयर में था। ईयर में थे। फिर तो वो उसने वो करा, उसके बाद फिर डेली ड्रेसिंग होती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो घाव ठीक होने लगा। 10-15 15-20 दिन के बाद फिर उसी वहीं राइट साइड में निकल गया, वहीं पेन। जैसे खाना खा के रात में सोया, सुबह में देख रहा हूँ पूरा बुखार है, राइट साइड पूरा पेन कर रहा है। तो फिर वो डॉक्टर के पास गया, फिर वो बोला कि चीरा लगाना पड़ेगा, यानी कि घाव है उसको चीरा लगाना पड़ेगा। वो किया, पस उसके निकालना पड़ेगा, पस निकाल पस दिया। निकाल दिया, वो हो गया। पर उसके उसका कोई बाद इसी ने ये नहीं सोचा कि कहाँ से आ रही है, पस क्यों आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है थी हुआ उस समय। USG किया था और सिर्फ पस कलेक्शन दिखाया था, वैसा हो गया। उसके बाद फिर यानी कि 2-3 महीना तक ठीक रहा, फिर जब पेन होना स्टार्ट हुआ तो उस समय ड्रेन किया, मगर MRI कराए तो पता नहीं चला कि वहाँ पे कुछ है। ससेप्टेबल ही था कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ नहीं है, वैसा कुछ फाइंडिंग नहीं आ पाया वहाँ पे MRI में। क्योंकि कई बार इन्फ्लेम्ड एरिया होता है तो MRI में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाती उसकी, और खास करके एक्टिव इन्फेक्शन में सारा का सारा ही सूजा हुआ दिख रहा होता है। उसके बाद फिर वो जब चीरा लगाया, पस निकाला, उसके बाद 2 साल तक सिम्टम लेस रहा, कोई सिम्टम नहीं, सब ठीक था। उसके बाद 2019 मई में आकर के मुझे फिर मई में आकर के मुझे फिर राइट साइड में पेन होना स्टार्ट हुआ, पेन हुआ, फीवर आया। और मैं जाकर के दिखाया तो उन्होंने तो पहले दवाई दिया, उस समय सिर्फ पेन था, कोई स्वेलिंग नहीं था। दवाई दिया, एंटीबायोटिक, बोला कि देखो ये अगर इससे रिलीफ हो तो ठीक, नहीं तो फिर यानी कि चीरा लगा करके उसको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि पस होगा तो पस ड्रेन करना पड़ेगा। वो हुआ, फिर जब USG कराया तो वहाँ पे पस कलेक्शन दिखा रहा था, पस कलेक्शन उसको फिर ड्रेन किया, ड्रेन करके वो 2-3 महीना में घाव हील हुआ, 2 महीना लगा घाव हील होने में। उसके बाद फिर इधर अक्टूबर आते आते फिर मुझे जब दर्द होना फिर स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया। फिर जब मेरे पास आया तब भी उन्होंने कुछ बोला था आपको कि ये MRI में ये कहाँ कहाँ आया हुआ था? जब मैं यहाँ पे MRI कराया गया तो वहाँ पे दिखाया गया कि हॉर्सू कलेक्शन वहाँ पे शो हो रहा है, फॉर्मेशन हो चुका है। इसियो डेक्टल एब्सेस है बायलैटरली, जो कि दोनों साइड का है, और इसियो एनल एब्सेस भी था। जी उसके बाद फिर उन्होंने एक वही सजेस्ट किया कि उसको कैसे यानी कि हॉर्सू कलेक्शन को कैसे ड्रेन करेंगे, उसको लेकर के उन्होंने पूछा था। वहाँ पे भी कितनी जगह दिखाया आपने वहाँ पे? एक जगह सिर्फ। तो सीधा आप यहाँ पे आ गए उसके बाद। और यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आपको? तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे मिलने के बाद, आपसे पहली बार ही बात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम अच्छे जगह पे आए हैं। और जब आपसे बात हुई, आप बोले कि हाँ टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप बोले कि टाइम दो, सब ठीक कर हो जाएगा। वैसे ही रहा, टाइम बहुत लगा, यानी कि 6-7-8 महीना जितना लगा, मगर पूरा हील हो चुका है घाव, अब कुछ नहीं है। उस टाइम पे कुछ टॉयलेट के कंट्रोल के बारे में भी कुछ बोला होगा किसी ने आपको कि ये रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि एनस भी गल गया था अंदर से, पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम भी ऑलमोस्ट लोअर पार्ट की चली गई थी। उस समय वैसा कुछ यानी कि ज़्यादा कंसल्ट तो किसी ने करा था कि टॉयलेट, उस समय वो इनकंटिनेंस का कुछ प्रॉब्लम भी उतना नहीं था, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि ये इतना यानी कि एनल कनाल भी इन्वॉल्व है, जो कि उसका मसल है वो यानी कि स्फिंक्टर खराब हो चुका है। उसके बाद ही कुछ रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी बाद में अगर ना कराए तो प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ये कॉमन मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि अगर ये एनल में, अब अगर एनल कैनाल और स्वेंटर्स इन्वॉल्व हो ही गए हैं तो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी जब हम उसको ठीक करते हैं तो 5-7% वो कंट्रोल जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी गले हुए हैं। तो जो वो डेड टिश्यूज जब निकलेगा वो सारा का सारा, तो उस जगह पे हर थोड़ा हॉलोनेस आएगी। पर क्या उस हॉलोनेस के कारण हम उसको छोड़ देंगे?
अगर हम उसको छोड़ देंगे तो पेशेंट को 100% कोलोस्टोमी करानी पड़ेगी। कोलोस्टोमी में ज़ीरो कंट्रोल है, यहाँ पे अगर 90% भी बचता है, 80% भी बचता है, 70% भी बचता है, विच इज़ क्वाइट गुड। और अगर वो उस चक्कर में ये सोचते हुए कि अगर वो कंट्रोल हम बचाते रहें, हम ये दवाई खा लें, हम एक्स दवाई खा लें, वाई दवाई खा लें, या हम कोई नेचुरोपैथी कर लें या कुछ वो कर लें, तो वो तो और गलता जाएगा नीचे। फिर जैसे आपकी सिचुएशन बन गई थी, अगर ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में आपके केस में सीधा कोई भी कोलोस्टमी कर देता पेट में कि चलो कोलोस्टमी करते हैं, क्योंकि सेप्टिसीमिया इतना ज़्यादा है, इतना फीवर आ रहा था और नीचे से कोई ऑप्शन दिख नहीं रहता, या तो पस ड्रेन करते रहो हर थोड़े दिनों बाद, हर 15 दिन महीने या जब 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 पस हो तब तक ड्रेन करते रहो, या कोलोस्टमी करके उसको रोक दो। अब कोलोस्टमी करने के बाद भी प्रॉब्लम यह है कि आपने कोलोस्टमी करके अगर आपने नीचे की रिपेयर करी और वो रिपेयर आपने चलो ठीक है ठीक भी कर दिया नीचे, पर जिस दिन कोलोस्टमी बंद करोगे उस दिन वहाँ पे प्रेशर आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोई और लीकेज है कि नहीं है। अगर वो वहाँ से फिर नहीं लीकेज शुरू हो गए, आपने कोलोस्टमी की करी, कोलोस्टमी बंद करी, नीचे से फिस्टुला रिपेयर किया, ये इतने सारे ऑपरेशन करने के बाद जब आप फिर से कोलोस्टमी, जब फिस्टुला फिर ज़ीरो से शुरू हो गया, तो कोलोस्टमी करने का कोई मतलब नहीं रह गया ऐसी सिचुएशन में। कोलोस्टमी की रिकमेंडेशन भी यही है कि जब बिल्कुल ही सेप्टिसीमिया है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, एंड तब भी हम नॉर्मली बचा लेते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं रेक्टम कैनाल, लोअर रेक्टम कैनाल से पेल्विस में चला जाता है एंड अब्डोमिनल कैविटी के अंदर पस कनेक्ट हो जाता है, वो भी नीचे से किया जा सकता है। और बहुत पेशेंट हैं जो ऐसे ही ठीक हो गए हैं, आपके तो कम से कम पेल्विक कैविटी में तो नहीं पहुंचा था, आपका अभी नीचे पेल्विक फ्लोर पे ही घूम रहा था और एन कैनाल के उसके अंदर से घूम रहा था और प्री पेरिटोनियल प्लेन्स में था। अगर वो पेरिटोनियल कैविटी में चले जाता है देन इट कैन डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स, और ज़्यादा सेप्टिसीमिया में इतना ज़्यादा होता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इवन दोज पेशेंट्स ऑल्सो अगर हम कई बार नीचे से काम करते हैं तो वो अच्छे से ठीक हो जाते हैं विदाउट डूइंग एनी कोलोस्टोमी। और करना तो अल्टीमेटली नीचे से ही है, अगर आप ऊपर से कर रहे हो कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी इज जस्ट आपका सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन को टेम्परेरली कंट्रोल कर रहा है। नुकसान ये है कि आपने कोलोस्टोमी कर दी, आपने मेजर लीक तो कर दिया रिपेयर, माइनर लीक है यू मिस इट आउट, वो कल को फिर प्रेजेंट करेगा क्योंकि ऊपर से तो आ ही नहीं रहा था। तब हम नीचे से कर रहे हैं तो कम से कम चलो ये हमने 5 लीक 6 लीक ठीक कर दिया या 10 लीक हैं वो ठीक कर दिया, अगर 11वां भी है तो वो जैसे ठीक होंगे 11वां नीचे से दिख जाएगा, और अगर देख अदरवाइज वो दिखेगा ही नहीं जब तक ऊपर से कोलोस्टमी है, वहाँ पे प्रेशर ही नहीं होगा और वो मिस हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगा। सो डेट इज़ द कॉमनेस्ट मिस्टेक विच हैपन्स विद दिस। तो लकीली आपकी कोलोस्टमी हुई नहीं है तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। इसके अलावा और पेशेंट्स के लिए आप कुछ गाइड करना चाहते हो या किसी को आपसे बात करनी हो? अगर आपसे अगर कोई डायरेक्टली कंसल्ट करते तो ठीक है, अगर ना कर पाए तो अगर मुझे भी अगर मुझसे कोई सलाह लेना चाहे तो मैं अपना नंबर दे सकता हूँ और मैं उसको गाइड करूँगा कि वो सीधे आपके पास आ सके और आपसे मिले। आपका इतना एक्सपीरियंस है बीइंग ए डॉक्टर, आप समझते हो, आप एटलीस्ट कुछ बीमारी का कुछ लेवल तक आप उनकी फ़ोन पे हेल्प कर सकते हो, वो भी उनकी हो जाएगी। गाइड मिसगाइड हो रहा है कोई तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, और प्रोसीजर होता है सर्जरी में क्या क्या होता है अगर उसके बारे में कोई जानना चाहे, कोई समझना चाहे तो आप उनको हमेशा गाइड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, जो भी यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और जहाँ तक होगा मैं अपना हेल्प कर दूंगा। उसके बाद में आपके पास मैं चाहूँगा कि वो आपके पास आए एक बार, आपसे मिले, ठीक, कम से कम वो आपसे एक बार पहले मिले, आपसे बात करे कि उसका क्या प्रॉब्लम है, वो उसके करे, वो उसकी मर्जी क्या करना चाहे वो। आपका फोन या मैं अपना नेपाल का नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली उधर ही रहता, अभी तो यहाँ पे हूँ। मेरा नेपाल का नंबर है 00977986262437। ओके, व्हाट्सएप पे चलता है जी? इसी नंबर पे व्हाट्सएप, ठीक है, एक बार फिर से नंबर बता देंगे 00977986262437। 00977 एक्चुअली नेपाल का कोड है। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर।